नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई जाने वाले, जी हाँ भाई दुबई जाने वाले, खास तौर से उन लोगों के बारे में या फिर दुबई जाने वाले थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, दुबई का कुछ नियम चेंज हुआ है एयरपोर्ट पे। जी हाँ, क्योंकि एयरपोर्ट पे चेंज होने का भाई स्वाभाविक सी है कि इंडिया के हालात देख सकते हैं अब क्या है। पिछले बता दूं, 20 अप्रैल को 2,80,000 कोरोना केस एक्टिव आए हैं। जी हाँ, 2,80,000-3,00,000 केस आए हैं भाई। तो दुबई सरकार तो ये मान लो शाबाशी देंगे उनको कि वो अभी भी आपको बुला रहे हैं, वरना तो देश ऐसे डरेंगे कि बचाएं इंडियन लोगों से, हमारे देश में और कोरोना आएगा। क्योंकि बता 22 अप्रैल से दुबई सरकार एयरलाइंस ने भी ये अपनी घोषणा कर दी है, इसमें ध्यान देना है। 22 अप्रैल से कोविड रिपोर्ट 48 घंटे 48 आवर्स की ही होनी चाहिए भाई, ये आपको ध्यान दे ले। 48 आवर्स समझ गए ना, पहले कितना था 96 आवर्स, यानी 4 दिन के ऊपर था, उसके बाद में 72 घंटे हुए, अब 48 घंटे हो चुके हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे क्लोज भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया में आंकड़े बढ़ रहे हैं ना, लाखों की संख्या रोज़ लाखों आ रहे हैं, तो भाई वही तो ये मान लो आपको शाबाशी दे रही है, क्योंकि इंडिया और बहुत सारे देशों को वही ने बैन करके रखा है, इसलिए इंडिया के लोगों को इजाज़त है। हो सकता है अभी थोड़े टाइम के लिए बैन भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे लग रहा है, पहले 96 घंटे की कोविड रिपोर्ट मान्य होती थी, उसके बाद में 72 घंटे की हुई, अब 48 घंटे की हो चुकी है। एयर इंडिया ने भी ट्वीट करके ये घोषणा कर दी है। जी हाँ, आगे इसमें सुन लीजिए भाई, एयर इंडिया ने आगे ये भी बताया है कि आपका जो कोविड पीसीआर टेस्ट है, आपकी जो रिपोर्ट 48 घंटे की, वो अंग्रेजी या अरबी में होनी चाहिए और रजिस्टर्ड प्रमाणिक हॉस्पिटल से होनी चाहिए, ICMR रजिस्टर्ड, इस बात को भी ध्यान रखें। और उसके रिपोर्ट के ऊपर एक QR कोड भी शामिल होना चाहिए, आप ध्यान दे लें भाई। QR कोड जैसे उसके ऊपर स्कैन करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाता है, समझ गए आपको, जैसे ऑनलाइन भुगतान करते हैं ना QR कोड से, सेम वो कंडीशन QR कोड भी आपकी रिपोर्ट के ऊपर होना चाहिए, ताकि उसको एयर इंडिया भी फ्लाइट वाले अधिकारी भी चेक कर सकें और दुबई एयरपोर्ट पे वो अधिकारी भी चेक कर सकें कि ओरिजिनल तो है, नकली तो नहीं है, समझ गए बात को। इसका रीज़न क्या भाई, हम लोग हैं इसके कारण, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है ना, तो और देश सख्ताई करेंगे नो डाउट। जैसे हांगकॉन्ग ने फ्लाइट बंद कर दी इंडिया के लिए, 14-15 दिन 3 मई तक के लिए स्टॉप कर दिया भाई हांगकॉन्ग ने, इंडिया की कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी, आप समझ सकते हैं। भारत सरकार ने भी 4 फ्लाइटों पे मुकदमे दर्ज किए हैं पिछले 3 दिन के दौरान, इंडिको पे, विस्तारा पे, स्पाइस जेट पे, एयर इंडिया पे। जी हाँ, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, PCR टेस्ट, यानी ये लापरवाही से बॉम्बे से दिल्ली यात्री आए, उनकी सही तरीके से जांच नहीं की गई और कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इस वजह से चारों एयरलाइंस पे मुकदमे दर्ज हो गए। तो आप समझ सकते हैं ये स्थिति है, 48 घंटे कितना होता है भाई, मात्र 2 दिन है, रात को तो आप छोड़ दो, 2 दिन है बस, वो ही मानते हैं, यानी जाने से पहले दिन आपका टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, समझ गए आप। 48 घंटे का मतलब ये हो गया कि भाई आप जैसे 25 अप्रैल को जा रहे हैं, ठीक है, तो 24 अप्रैल को सुबह आपके पास करवाओगे और 25 को शाम को जा रहे हैं, तो 25 को सुबह आपको रिपोर्ट मिलेगी, उसी को आपको लेके फ्लाइट पकड़नी है, यानी एक बहुत मुश्किल काम ये हो चुका है, क्योंकि इतने आसानी से रिपोर्ट लेना फिर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी भाई क्या कर सकते हैं, ये 48 घंटे का कब तक रहता है ये तो हो सकता है चेंज भी हो जाए जब तक आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन अभी की लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।